हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ छोटा सा संडे के दिन के लंच का ब्लॉग। और आज बहुत सारा काम है, बच्चों के लिए कपड़े भी धोने हैं और खेत में ट्रैक्टर वाला आने वाला है गेहूँ बोने के लिए और अभी तक नहीं आया है। और अब मैं कर रही हूँ दिन के लंच की तैयारी। चलो फिर, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ बड़ी पहाड़ बड़ी बनाते हैं हमारे यहाँ। तो मैंने तो अभी नहीं बनाई है, मेरी मम्मी लेके आई थी मेरे लिए, इसलिए मैं बना रही हूँ। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, चलो फिर बनाती हूँ। मेरी बेटी नहा के आई है और कपड़े नहीं पहन रही है। मैं कह रही हूँ खाना खाएगी, मैं खाना बना रही हूँ, ये माने नहीं रही है। ये है उड़द की दाल और ककड़ी की बड़ी है ये, अभी मैं भी बनाऊंगी तो इसका भी मैं ब्लॉग लेके आऊंगी। आप ने रख लिया है सरसों का ऑयल, वो लौंग लहसुन और जीरे को पीस लेती हूँ सिलपट्टे में। सिलपट्टे में पीसा हुआ खाने का टेस्ट ही कुछ अलग है, नहीं तो मैं मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ, पर सिलपट्टे का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है ना। मैं लेके आई है तोरई, ये लेके आई है नींबू, ये लेके आई है मूले, ये लौकी। अब इनकी मैं आपको सब्जी बना के दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग। आलू को भी काट लेती हूँ, को कटिंग कर लेती हूँ। तेल में भून लेना है, को कम कर लेना है, अच्छी तरह भूनने तक इन्हें पका लेना है, नहीं तो इसकी महक आती है। इन्हें ऐसे ब्राउन होने तक आप भूनते रहना है, इसका जो कच्चापन है ताकि वो निकल जाए। साथ ही आटा भी भून लेना है, ऐसे भून लेना है ताकि आटे में भी अच्छी इस खुशबू आने लग जाए। जीरा डाल देती हूँ और प्याज भून दी। आलू टमाटर नमक डाल लेती हूँ ताकि टमाटर जल्दी से गल जाए। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा तो मैंने उसी में पीस लिया है, गरम मसाला नहीं, लहसुन और जीरे का पेस्ट लौंग का। मेरे बन गए हैं, मैं पानी को ऐड कर लेती हूँ, फुल गैस कर लेती हूँ, पकने के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा 10 मिनट इसे पका लेती हूँ। पकी हुई आलू को पकने में ज़रा टाइम लग जाएगा। इसके लिए नमक रेडी कर लेती हूँ, थोड़ी हरी मिर्ची, थोड़ी सूखी मिर्ची, इसका टेस्ट ही कुछ अलग है। देख लेती हूँ, सब्जी मेरी बन गई है। अपनी बेटी के लिए बगैर मिर्ची के निकाल रही हूँ। मिर्ची मैंने भिगो के रखी थी, इसे डाल लेती हूँ, इसे पका लेती हूँ थोड़ी देर। मिर्ची को भी पका लेती हूँ 2 मिनट तक। बेटी के लिए निकाल ली है सब्जी, डाल देती हूँ धनिया के पत्ते। मैंने पीस दिया है चटपटा सा, पक चुकी है, अभी इसे बंद कर लेती हूँ। पहाड़ी खाने का मजा नीचे ही बैठ के आता है असली में। तो संडे के दिन का लंच जरूर करें आप भी ऐसे ही बना के, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और कैसा हो रहा है टेस्ट करके तो करें आप भी लंच। तब तक के लिए बाय बाय।